गेम खेलना तो हर किसी को पसंद होता है और आजकल तो बहुत सारे अच्छे अच्छे गेम्स भी आ चुके हैं। अब आप लोग पबजी ही देख लो, इतने कम समय में ये गेम कितनी फेमस हो चुकी है और हर मिनट में लगभग लाखों लोग ये गेम खेल रहे होते हैं। और पबजी तो मेरी भी आज तक की सबसे फेवरेट गेम रही है। लेकिन आज मैं आप लोगों को 5 ऐसे लोगों के बारे में बताने वाला हूँ जिन्होंने गेम खेलने की तो हद ही पार कर दी। नंबर 5, दिन भर की थकान को दूर करने के लिए ज्यादा से ज्यादा 25 से 30 मिनट तक गेम खेलना काफी होता है। लेकिन 13 साल के एक चाइनीज बच्चे जेंग शियोई ने लगातार 36 घंटे तक वर्ल्ड ऑफ वारक्राफ्ट नाम की ये गेम खेलने के बाद छत से कूदकर अपनी जान दे दी। ऊंची बिल्डिंग से कूदकर सुसाइड करने से पहले उसने अपने परिवार के लिए एक सुसाइड नोट भी छोड़ा था जिसमें लिखा था कि वो हीरोज ऑफ द गेम बनने के लिए काफी ज्यादा पागल था। 2004 में घटी इस घटना के बाद चाइनीज सरकार को बच्चों के ऑनलाइन गेम खेलने पर नजर रखने की सख्त जरूरत महसूस होने लगी। दुनिया में अमेरिका के बाद चाइना ही ऐसा देश है जहां ऑनलाइन गेम्स सबसे ज्यादा खेले जाते हैं। हर रोज न्यूज चैनल्स में बच्चों के ऑनलाइन गेम्स पर न्यूज आने के बाद गेम्स खेलने पर कुछ प्रतिबंध लगा दिए जाते हैं। और अगर ये प्रतिबंध सरकार द्वारा पहले लगाए गए होते तो जेंग शियोई जैसे कई बच्चे आज भी जिंदा होते। नंबर 4, गेम खेलते खेलते कभी कभी तो ऐसा होता है कि हम बाकी के सारे काम भूल जाते हैं। लेकिन कोई इतना बेपरवाह भी कैसे हो सकता है कि गेम खेलते खेलते अपने बच्चे को ही भूल जाए। वो अपने बच्चे को इतना भूल जाए कि भूख से तड़प तड़प कर बच्चे की मौत हो जाए। 2010 में साउथ कोरिया के 3 साल के एक छोटे बच्चे के साथ कुछ ऐसी ही घटना घटित होती है। पुलिस ने माता पिता को इस छोटी बच्ची की मौत का जिम्मेदार ठहरा कर गिरफ्तार कर लिया। बच्ची के माता पिता ने अपने स्टेटमेंट में पुलिस को बताया कि उनके पास कोई जॉब नहीं थी और समय से पहले ही हमें बच्ची पैदा हो गई। कोई जॉब न होने की वजह से उन्होंने ऑनलाइन वर्चुअल गेम में समय बिताना शुरू कर दिया। इस गेम में उनकी एक बेटी भी थी जिसे वो पाल रहे थे। लेकिन गेम की दुनिया में वो इतना खो गए कि अपनी वास्तविक बच्ची को वो पूरी तरह से भूल गए, जिस कारण उसकी भूख से तड़प तड़प कर मौत हो गई। नंबर 3, आजकल कुछ गेमर्स तो ऑनलाइन गेम खेलने के इतने एडिक्ट हो चुके हैं कि जो भी चीज़ें उन्होंने ऑनलाइन गेम्स में खरीदी होती हैं वो उन्हें असल जिंदगी से भी ज़्यादा महत्वपूर्ण लगने लगती हैं। जैसे कि पबजी गेम में लोग रॉयल पास खरीदते हैं, बंदूकों और गाड़ियों के स्किन्स खरीदते हैं। ये चीज़ें भी उन्हें वास्तविक दुनिया से भी काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण लगने लगती हैं। चाइना के शंघाई के रहने वाले क्यू चेंगवी नाम के एक व्यक्ति ने अपने साथी गेमर को मार डाला क्योंकि उसके साथी गेमर ने लीजेंड ऑफ मीर 3 में खरीदी उसकी वर्चुअल तलवार किसी और को बेच डाली, जिसके कारण चेंगवी काफी ज्यादा नाराज हुआ। जिसके बाद उसने अपने साथी गेमर पर उसकी मर्जी के बिना उसकी तलवार बेचने की वजह से उस पर पुलिस कंप्लेंट करनी चाही, लेकिन पुलिस ने किसी वास्तविक चीज न होने की वजह से कंप्लेंट फाइल करने से मना कर दिया। यहाँ तक कि उसके साथी गेमर ने उस तलवार के पूरे पैसे भी ऑफर किए, लेकिन फिर भी चेंगवी ने उसे चाकू मारकर उसकी हत्या कर दी। नंबर 2, शुरुआत में जब पोकेमोन्स गो नाम की ये गेम रिलीज हुई थी तब इस गेम ने पूरी दुनिया में काफी ज्यादा लोकप्रियता प्राप्त की थी। अपना मोबाइल लेकर बाहर जाना और जगह जगह पर पोकेमोन्स को ढूंढकर उन्हें कैद करना काफी ज्यादा रोमांचक लगता था। उस समय चेन सैन युवान नाम के एक व्यक्ति ने पोकेमोन गो के कारण काफी ज्यादा लोकप्रियता हासिल की थी। ये एक ऐसे व्यक्ति थे जो पोकेमोन गो से कुछ ज्यादा ही प्यार करने लगे थे। इसके लिए उन्होंने पोकेमोन्स को ढूंढने के लिए बेहद ही अजीब और खर्चीला तरीका अपनाया जिसे देखकर सभी लोग दंग रह गए। उन्होंने सिर्फ और सिर्फ पोकेमोन्स गो नाम की ये गेम खेलने के लिए महंगे महंगे 11 फोन खरीदे जिन्हें वो अपनी साइकिल पर लगाकर पोकेमोन्स को ढूंढने बाहर निकल जाते। लेकिन वो सिर्फ 11 फोन लेकर ही नहीं रुके, उन्होंने आगे चलकर 10 और फोन खरीदे जिन्हें लेकर वो पूरा दिन पोकेमोन्स को ढूंढते रहते। किसी गेम का एडिक्शन क्या क्या करवा देता है, इसके लिए चेन सैन युवान एक अच्छे उदाहरण है। नंबर 1, ग्रैंड थेफ्ट ऑटो काफी ज्यादा प्रचलित गेम होने के साथ साथ हमेशा से ही इस पर हिंसा फैलाने के कई आरोप लगते आए हैं। जैसे कि गेम में किसी को मारने के बाद वर्चुअल पैसे मिलते हैं, इससे बच्चों में भी हिंसा फैलने के काफी ज्यादा चांस रहते हैं। ऐसी ही एक घटना अलबामा में भी घटित हुई। डेविन मुरे नामक एक छोटे बच्चे ने 3 लोगों की हत्या कर दी जिसमें 2 पुलिस वाले भी शामिल थे। मुरे GTA खेलने का काफी ज्यादा एडिक्ट था। जब उसे गिरफ्तार किया तो उसने अपनी रिपोर्ट में कहा कि जिंदगी भी एक खेल ही है और इस खेल में आपको आज नहीं तो कल मरना ही होगा। इसके कुछ साल बाद 2005 में मुरे को मरते दम तक कारावास यानी कि उम्र कैद की सजा सुनाई गई। तो दोस्तों, आपको इनमें से सबसे ज्यादा अजीब एडिक्शन कौन सा लगा और आप लोग कौन सी गेम खेलने के शौकीन है मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और भी ऐसे ही इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन के लिए अट्रैक्टिव दुनिया को अभी सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। यह वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।